दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनुज शर्मा, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लॉकडाउन के दौर में मैं लगातार कैंपिंग पे कैंपिंग लगा रहा हूं, और ये जो कैंपिंग लग पा रही है ये सिर्फ और सिर्फ लग पा रही है एसलीपेस वेलनेस के अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छे MD, अच्छी मेरी टीम और अच्छे मेरे अपलाइन, उनकी वजह से मेरी कैंपिंग लग पा रही है। और दोस्तों इस कैंपिंग का जो श्रेय जाता है वो मेरे जितने भी अपलाइन है सभी को जाता है, साथ ही साथ इसका श्रेय जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर महिपाल सर को, जिनकी वजह से मैं इस कंपनी में आया, जिनकी वजह से आज मेरे पास 42-43 महीने के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा का अचीवमेंट है, जिनकी वजह से आज मेरे पास लगभग 2 लाख लोगों की टीम है, जिनकी वजह से आज मेरे पास 3-3 गाड़ियाँ हैं, जिनकी वजह से आज मेरे पास घर है, जिनकी वजह से आज मेरे पास मर्सिडीज है। और दोस्तों एसलीपेस वेलनेस के अंदर मैं मर्सिडीज सिर्फ 18 महीने में खरीद पाया, एक रिकॉर्ड बनाया। इसका पीछे का जो श्रेय जाता है वो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर को जाता है। ये मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा सा मैसेज देने के लिए मैं आपके बीच में क्यों आया हूँ, उसके पीछे कारण है। दोस्तों मैं पिछले 42-43 महीने से एसलीपेस वेलनेस को कर रहा हूँ, मैं इससे पहले कंपनी को करता था, और मैं आप लोगों के पास एक मैसेज है उसके पीछे कारण है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो किसी ना किसी कंपनी में है। अगर आप किसी भी कंपनी में हैं और वहां के आप प्रोडक्ट, वहां के पे आउट, वहां के एजुकेशन सिस्टम, वहां के MD की सोच, वहां के आपके डाउनलाइन, वहां के आपके अपलाइन, अगर आप इन सभी चीज़ों से वहां पर खुश हैं तो आप उसी कंपनी को करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा, अगर आप किसी भी कंपनी को कर रहे हैं और वहाँ पर आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पे आउट नहीं मिल पा रहा है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और आपको बहुत समय हो चुका है स्ट्रगल करते हुए, आज भी आपके पास सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना भविष्य खराब ना करें, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो है समय। आप अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें, एक डिसीजन लीजिए, एक अच्छी कंपनी को चुनिए। एक अच्छी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, एक अच्छा पे आउट मिलेगा, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, और वहाँ पर आपको दमदार अपलाइन मिलेंगे। आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको सफलता 100% मिलती है। दोस्त मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपनी बदलना नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और दूसरी कंपनी है वहाँ पर आपको सैलरी 20,000 रुपये मिल रही है, तो आप क्या करना चाहेंगे, ये सवाल आप अपने आप से करिए। दूसरी बात, आप आज किसी घर में रह रहे हैं, उस घर के अंदर दीवारें खराब हो चुकी हैं, उस घर के अंदर पानी टपक रहा है, उस घर के अंदर वो सुख सुविधाएं नहीं है, और कहीं आपको दूसरा घर मिल रहा है उतने ही पैसे में, तो आप क्या करना चाहेंगे। दोस्त मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी में ना अपने आप में कभी बदलाव करने से चूकना मत, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करिए, हमेशा पहले से अपने आप को बेहतर करिए। इस दुनिया में एक बात याद रखना, जितने भी सफल लोग हैं आज इस देश में, और उन सफल में से अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, उन सफल लोगों में से 90% लोग वो सफल हुए हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी कंपनी को चेंज किया है, जिन्होंने कभी ना कभी जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को उन्होंने बदला है, तभी वो सफल हो पाए हैं। क्योंकि जो पहली कंपनी आदमी ज्वाइन करता है तो पहली कंपनी के अंदर उस आदमी को समझ नहीं होती है कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी के अंदर क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए, कंपनी के अंदर क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। लेकिन पहली कंपनी में वो सीखता है और दूसरी कंपनी में वो पाता है। तो दोस्त मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, कभी भी इमोशनल में मत रहें, कभी भी ये ना सोचे कि मैं कंपनी बदलूंगा तो मेरे अपलाइन क्या सोचेंगे, मैं कंपनी चेंज करूंगा तो मेरे डाउनलाइन क्या सोचेंगे, मैं कंपनी चेंज करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में अगर आप आए हो तो आप नेटवर्कर मत बनिए, आप अचीवर बनिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, एक ही कंपनी में लगे हुए हैं और आज भी उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, और आज भी एक ही बात बोलते हैं, ये कंपनी मेरी माँ है, ये कंपनी मेरा बाप है, यही सब कुछ होगा। दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ना कोई कंपनी माँ होती है, ना कोई कुछ होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा, कि आपको पैसा आ रहा है नहीं आ रहा उस कंपनी के अंदर। आपको पैसा नहीं आ रहा उस कंपनी के अंदर और आप बोल रहे हो कि ये कंपनी हमारी माँ है, आप घर में जा रहे हो, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा उस कंपनी की वजह से, आपके घर में तकलीफें हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में लोग
रोज रोज पैसे की वजह से पछता रहे हैं, पैसे की वजह से रोज आपके घर में कलेश हो रहा है, और फिर भी आप बोल रहे हो कि आपकी कंपनी वो माँ है। दोस्त, सबसे बड़ी माँ क्या होती है, सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? सबसे बड़ी माँ वो होती है जो हमारे घर में बैठी है, जिसको पैसे की वजह से खुशी मिलेगी, और हम वो खुशी अपनी माँ को नहीं दे पा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हमारी कंपनी माँ है। दोस्त, मैं एक आपको इमोशनली बात नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। आप किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर सफलता मिल रही है तो आप उसी कंपनी को करिए, और आपको किसी भी कंपनी को आप कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें, क्योंकि समय मिला है और ये आखिरी सांस कब आ जाएगी मालूम नहीं है। दोस्त, इस दुनिया से जाने से पहले पहले एक पैसिव इनकम बना के जाएं, और पैसिव इनकम आती कब है? पैसिव इनकम जब आती है जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है। पैसिव इनकम कब आती है? जब आपके पास एक अच्छा प्लान होता है। पैसिव इनकम जब आती है? जब आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छा बिजनेस प्लान होता है। दोस्त, अच्छी डाउनलाइन कब बनती है? अच्छी डाउनलाइन जब बनती है जब कंपनी के अंदर अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छा पे आउट होता है। लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपने अपने आप को बदलाव नहीं किया तो आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ के जाएगी, क्योंकि डाउनलाइन हमेशा उस अपलाइन के साथ काम करना पसंद करती है जिस अपलाइन के पास अचीवमेंट होते हैं। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्त, कम कहना और ज़्यादा समझना ये एक अच्छे इंसान के अंदर खूबी होती है। तो आप अपना समय बिल्कुल वेस्ट ना करें, आइए हमारे साथ मिलकर वो रिकॉर्ड बनाएंगे जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, और आज तक हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज हमारा चैलेंज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो आज एसलीपीएस के अंदर रिकॉर्ड है, जो आज एसलीपीएस के लीडर के पास अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट किसी और के पास नहीं है। आज मेरी एज 28 साल है, 28 साल के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा की टेस्टमनी है, 28 साल के अंदर 2 लाख लोगों से ज़्यादा की टीम है, 28 साल के अंदर आज मेरे पास वो अचीवमेंट है जो आज लोग 50-50 साल की उम्र में नहीं ले पा रहे, और आज मुझे इस कंपनी को करते हुए 42-43 महीने हुए। दोस्त, एक बार सोचिए, डिसीजन लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, रात और दिन मेहनत करेंगे, रात और दिन पूरा प्रयास करके आपके सपनों को पूरा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम।